सो दोस्तों, समय आ चुका है बच्चे लोग को स्कूल छोड़ने का। सिंचान, अरे वाह, आज गाइजर सूरज भाई पता नहीं किस तरफ से उगा है कि देखो यार, सिंचान पहले से बैग लेके खड़ा है भाई यार यहाँ पे स्कूल के लिए। सिंचान तू तैयार है ना स्कूल जाने के लिए? अरे हाँ फ्रैंकली भैया, जल्दी चलिए स्कूल में, लेट नहीं होना है। अगर आज लेट हो गए ना तो टीचर बहुत ही मारेगी। नई टीचर आई है, स्कैरी टीचर, बहुत ही खतरनाक है। अच्छा, स्कैरी टीचर बहुत ही खतरनाक है? मैंने भी सुना है कि स्कूल में नई टीचर आई है, बट मैंने ये नहीं सुना था कि वो बहुत ही ज्यादा डरावनी और खतरनाक है। चल आ जा, ठीक है, जल्दी से आके बैंच में बैठ जा। मुझे यार यहाँ पे तुम्हारे और भी फ्रेंड्स को लेने जाना है, इसीलिए देरी मत कर। अरे हाँ, मसाओ बो कजामा बहुत लोग को लेना है, चलिए। अरे हाँ फ्रैंकली, मैं बैठ रहा हूँ, अब चलिए। ओके तो गाइजर, चलो फाइनली यहाँ पे सिंचन तो बैठ चुका है। अब गाइजर स्कूल बस को जल्दी से लेके चलते हैं कजामा के पास, और गाइजर कजामा को जल्दी से बस से बैठाते हैं। आज गाइजर कतई मैं देरी नहीं कर सकता ये लोगों बच्चे लोगों को स्कूल पहुंचाने में। अगर गाइजर आज मैं देरी कर गया ना तो भाई सच में जो सिंचन बोल रहा है कि भाई नई टीचर आई है स्कैरी टीचर, वो गाइजर ये लोग को मार मार के मुर्गा बना देगी, और ये भी कतई नहीं चाहता, इसलिए मुझे सबको जल्दी जल्दी लेना पड़ेगा। तो चलो गाइजर जल्दी जल्दी लेते हैं। ये स्कूल बस ड्राइवर का भी लाइफ ना बहुत ही कमाल है दोस्तों, मतलब कि बस बैठो, गाड़ी चलाओ और बच्चे लोगों को पहुंचाओ बस। अरे ये देखो फाइनली हम लोग आ चुके हैं कजामा के घर। कजामा घर भी बहुत ही अच्छा है और पढ़ता भी बहुत ही अच्छा है कजामा। कजामा जल्दी से आके बैठो बस में, बस आ गई है। अरे वाह, आप टाइम पे आ गए, सिंचन ने लेट नहीं किया। हाँ सिंचन, क्या बात है लेट नहीं किए? अरे कजामा क्या बताऊं, सिंचन को ना नई वाली टीचर से डर लगा हुआ है, इसलिए जल्दी जल्दी उठ के पहले से तैयार हो गया था। अरे नहीं फ्रैंकली भैया, सच में वो नई वाली टीचर है बहुत खतरनाक है, सबको मारती है, उसने तो मुझे भी मारा है, इसीलिए बच के रहिएगा, वो किसी को नहीं छोड़ती। अच्छा ऐसी बात है क्या? चलो ठीक है भाई, मैं भी बच के रहूंगा। चलो यार अब एक काम करते हैं, नानी को भी जल्दी से पिक करते हैं। ये देखो दोस्तों, फाइनली हम लोग आ चुके हैं नानी के घर में। जल्दी से आओ नानी। गुड मॉर्निंग फ्रैंकली भैया, आप समय पे आ गए। अरे हाँ मैं समय पे आ गया, क्योंकि यहाँ पे सिंचन लेट नहीं किया आज। अरे क्या फ्रैंकली भैया, आप सबको एक ही बात क्यों बोलते जा रहे हैं? अरे क्योंकि यार पहली बार, मतलब कि इतने सालों में पहली बार तुम समय में आए हो, इसीलिए बोलना तो बनता है ना। चलो यार अब जल्दी से बो के पास चलते हैं। बो कहाँ रहता है दोस्तों? पता है सामने वो पत्थर चुन रहा होगा, वो देखो मैंने बोला था ना सामने का सर वो पत्थर चुन रहा होगा। बो बस आ गई है, पत्थर चुनना बंद करो, जल्दी से आके बैठो। मैंने आज बहुत कमाल का पत्थर ढूंढा है, बहुत ही अजूबा। अच्छा ऐसी बात है भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, अच्छा हुआ तुमने ढूंढ लिया, अब जल्दी से आके बस में बैठो, तुम्हारे पत्थर ढूंढने के चक्कर में हम लोग लेट ना हो जाए, इसलिए गाड़ी जल्दी से घुमा लेता हूँ। और गाइजर सारे के सारे बच्चे आ गए ना, अरे कोई बचा भी है कि नहीं, या फिर सारे के सारे बच्चे आ चुके हैं? हाँ, फ्रैंकली भैया हमेशा मेरा घर मिस कर देते हैं और मुझे लेट पा जाते हैं, इस बार फिर से मिस कर गए क्या? अरे दोस्तों मैं तो भूल गया था भाई, यहाँ पे एक जन और है, मसाओ, अगर मैं उसे नहीं लूंगा तो कैसे कंप्लीट चलेगा? अरे मसाओ मैं आ चुका हूँ, मैं भूला नहीं हूँ तुम्हारे फ्रैंकली भैया, भूला नहीं है तुम्हें लेना, जल्दी से आ जाओ बस में बैठो। हाँ फ्रैंकली भैया अब हमेशा भूल जाते हो मुझे। अरे माफ करना यार, गलती से भूल गया था, अब आके जल्दी से गाड़ी में बैठो ना। दोस्तों सारे के सारे बच्चे बस में बैठ चुके हैं, अब समय आ चुका है ये बस को जल्दी जल्दी स्कूल ले जाने का और सारे के सारे बच्चे लोग को स्कूल में छोड़ने का। देख रहे हो दोस्तों, सुबह सुबह 6 बजे निकलना पड़ता है, सारे के सारे आदमी लोग सोए रहते हैं, कोई भी इंसान लोग सड़क में नहीं है, क्योंकि सुबह 6 बजे कौन सा ट्रैफिक, कौन से इंसान लोग आएंगे? कुछ चुनिंदा लोग हैं जो जॉगिंग वॉगिंग करते हैं बस। और गाइज़र मुझे ये समझ नहीं आता वो स्कूल यार सुबह सुबह क्यों रखा जाता है। अरे हाँ फ्रैंकली भैया, पूछिए लोगों से पूछिए, ऐसा क्यों होता है बताइए, स्कूल रात में होना चाहिए ना। अरे पागल है क्या, अगर रात में होगा तो तुम लोग पढ़ोगे कैसे टॉर्च लगा के? भाई लेकिन एक बात बताओ दोस्तों, वो स्कूल यार सच में सुबह में ही क्यों होता है भाई? ऐसे तो रात में भी हो सकता है ना, बट नहीं वो तो हमेशा से सुबह में ही होता है। मुझे इस बारे में जानकारी चाहिए, अगर आप लोग को जानना है या फिर आप लोग को पता है कि वो स्कूल यार सिर्फ मॉर्निंग में ही क्यों स्टार्ट होता है, तो प्लीज यार नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे तो गाइस इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन फाइनली यार हम लोग लॉस एंजेलिस के सबसे बेस्ट स्कूल आ चुके हैं, जहाँ पे सिंचन और सिंचन के फ्रेंड्स पढ़ते हैं, काबे वाला स्कूल। ओके ये रही नई टीचर, ये दिखने में भी बहुत ही खतरनाक है, एकदम खड़ूस वाली टीचर लग रही है। चलो तो यार मैंने यहाँ पे तुम सबको पहुंचा लिया है, तुम सब लोग यार यहाँ पे बेंच में बैठ जाओ, आराम से पढ़ो, मैं चलता हूँ ठीक है? अरे ठीक है फ्रैंकली भाई, आराम से जाइएगा और बस को आराम से चलाइएगा। अरे हाँ सिंचन ठीक है, चलो दोस्तों अब जल्दी से जाते हैं। भाई यार यहाँ पे मैंने सिंचन को तो ड्रॉप कर दिया है, अब ये लोग को मुझे 2 बजे पिक भी तो करना है, क्योंकि 2 बजे स्कूल की छुट्टी हो जाएगी, तो चलो अभी जल्दी से घर चलते हैं। गुड मॉर्निंग, छोड़ो मुझे ये बताओ होमवर्क किस किसने नहीं किया, जल्दी बताओ। तुमने होमवर्क किया सिंचन? अरे टीचर मैंने होमवर्क तो किया था, लेकिन चॉप है ना मेरा कुत्ता, उसने होमवर्क खा लिया। चॉप ने होमवर्क खा लिया कुत्ते ने, अब समझो, ये लो मार खाओ। बो तुमने होमवर्क किया? मैम मैंने होमवर्क किया था।
था, बट वो पत्थर के साथ रह के भुला गया। तुम भी मार खाओ, ये लो मार खाओ तुम लोग दोनों। अच्छा नानी तुम बताओ तुमने होमवर्क किया? मैम मैम मैंने ना घर घर खेल रही थी तो होमवर्क करना भूल गई। मैंने सच बोला इसलिए आप मुझे नहीं मारेंगे ना? हाँ तुमने सच बोला लेकिन मार तो खाओगी, ये लो मार खाओ। अच्छा खजामा मुझे ये बताओ तुमने होमवर्क किया? हाँ मैम मैंने होमवर्क कर लिया है, आप चेक कर लीजिए। इसने तो सच में होमवर्क कर लिया, अब किस बात पे मारूं? अच्छा एक बात बताओ तुमने कल का होमवर्क किया? मैम कल का आप अगर आज देंगे तब ना मैं कल का करूंगा। जबान लड़ाता है, तुमने कल का होमवर्क नहीं किया, ये लो मार खाओ। तुम बताओ मसाओ तुमने होमवर्क किया? हैं मम्मी ये टीचर तो सबको मार रही है, मुझे भी मारेगी। हाँ तुमने सही कहा, मैं तुम्हें भी मारूंगी। ये लो मार खाओ। मजा आया, मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी, तुम सबको मारूंगी, तुम सबको मुर्गा बनाऊंगी, मैं हर बार तुम्हें मारती रहूंगी, देख लेना। किसी को नहीं छोड़ूंगी, तो मैं फिर से मारूंगी, तुम जैसे बच्चे लोग को मार ही खाना चाहिए, ये लो मार खाओ मार खाओ। मजा आया? अरे दोस्तों टीचर ने मार मार के बेहोश कर दिया। हाँ जिसे कंप्लेन करना कर लो, लेकिन तुम लोग मुझे नहीं रोक पाओगे। अरे दोस्तों ये टीचर तो जानबूझ के मार रही है, चलो फ्रैंकलिन भैया के पास चलते हैं और बताते हैं। फ्रैंकलिन भैया सुनिए, फ्रैंकलिन भैया देखिए टीचर हमें जानबूझ के मार रही है, सुनिए फ्रैंकलिन भैया, जल्दी से फ्रैंकलिन भैया को कॉल लगा दो। फ्रैंकलिन भैया जल्दी सुनिए, टीचर ने हमें जानबूझ करके परेशान और मार रही है, प्लीज हमारी मदद करिए फ्रैंकलिन भैया। अच्छा ठीक है सिंचन मैं तुरंत आता हूँ। गाइस सिंचन का कॉल आया था कि टीचर जानबूझ करके सिंचन और सिंचन के दोस्त लोग को मार रही है, परेशान कर रही है। सिंचन तुम लोग यहीं पे हो ना? अरे हाँ तुमने मुझे कॉल करके बुलाया सिंचन, क्या बात हो गई, इतना इमरजेंसी मुझे कॉल करके तुमने बुलाया? अरे फ्रैंकलिन भैया देखिए ना टीचर ना ढूंढ ढूंढ के बहाना हम लोग को मार रही है, उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अच्छा ऐसी बात है, ये लोग जानबूझ करके मार रही है क्या टीचर तुम सब लोगों को? हाँ फ्रैंकलिन भैया सच में। फ्रैंकलिन भैया मैंने तो होमवर्क किया भी था, लेकिन पता उन्होंने क्या बोला कि कल का होमवर्क दो। कल का होमवर्क मैं कहाँ से करूंगा, दे ही नहीं है तो, और उस बदले में मुझे मारा। ये तो गाजर बहुत गलत बात है, ऐसे स्कैरी टीचर को नहीं करना चाहिए। मानते वो इवल है, मानते वो गंदी है, बट ऐसे बच्चे लोग को नहीं मारना चाहिए। क्यों दोस्तों? टीचर को सबक सिखाना ही पड़ेगा, तो चलो आ जाओ हम लोग गाजर मिल करके ये टीचर को छोड़ेंगे नहीं, अच्छे सबक सिखाएंगे, लेट्स गो। तो गाइजर फाइनली यार हम लोग आ चुके हैं। अब गाइजर मैं यहाँ पे स्कैरी टीचर को छोड़ देने वाला, क्योंकि गाइजर आपको तो पता है उसने यार सिंचन और सिंचन के दोस्त लोग के साथ कितना बुरा व्यवहार किया है, मतलब वो लोगों को कितना परेशान किया। ये रही स्कैरी टीचर, और गाइजर हम लोग मिल करके इसका पुंगी बजाने वाले हैं। क्यों सिंचन और सिंचन के दोस्त लोग, मैं तुम्हारा बदला लेकर रहूंगा। दोस्तों आप लोग यार चाहते होंगे ना कि अपनी टीचर से बदला लेना, तो चिंता मत करो मैं आपके बदले आपकी टीचर से बदला ले लूंगा। चलो तो गाइजर अंदर चलते हैं। भाई टीचर अंदर जा रही है न्यूज़पेपर लेकर के, मुझे डर भी लग रहा है, बट गाइजर मुझे यहाँ पे सिंचन और सिंचन के दोस्तों लोग का बदला लेना है, इसीलिए गाइजर यहाँ पे मुझे जाना होगा। एंड गाइजर ये अनवारी के अंदर क्या है, चलो चेक करते। ओके यहाँ पे तो चूहे मारने वाला एक ट्रैप है जिससे गाजर चूहे मरती है। ओके गाजर एक काम कर, तो मेरे पास दिमाग में तगड़ा सा प्लान आ चुका है। मैं गाजर ये ट्रैप को ना यहाँ पे टेबल में रख देता हूँ और गाजर न्यूज़पेपर से कवर अप कर देता हूँ। जब भी गाजर यहाँ पे टीचर आएगी न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, उसके बाद गाजर भाई वो न्यूज़पेपर उठाएगी, लेकिन भाई उसका हाथ फंस जाएगा चूहे वाले ट्रैप में, चूहे वाले जाल में। ये देखो, अरे यार टीचर का हाथ फंस चुका है, ये कितना मजा आया, मतलब गाजर देखो तो भाई उनका हाथ पूरे तरीके से फंस चुका है। गाइस आप लोग यार बताओ कमेंट करके आप लोग को मजा आया कि नहीं आया, मुझे तो गाइस टीचर को परेशान करने में बड़ा मजा आया। अब चलो अभी रुकना नहीं है, अब यार और परेशान करते टीचर को। ओके तो यार यहाँ पे देखो टीचर गाइस खाना खा रही है, ऐसे तो देखो टीचर लोग कभी भी खाना खा लेती है, लेकिन जब बच्चे लोग क्लास के बीच में खाना खाते हैं तो हम लोग गाइस बाहर निकाल देती है क्लास से और उल्टा मुर्गा बना देती है। नहीं भन्नी आज मैं गाइस इसके खाने में ना रंग मिला के रहूंगा, मतलब के रंग मिला के भंग कर दूंगा। चलो अंदर चलते, एक सेकेंड टीचर ने गाइजर यहाँ पे लॉक लगा दिया है। लगता है टीचर को समझ में आ चुका है कि इसके घर में कोई ताकाजाकी कर रहा है, जिससे गाइजर उसका हाथ न्यूज़पेपर के नीचे रखे वाले ट्रैप में फंस चुका था। अब गाइजर मुझे ताले को खोलने के लिए चाबी चाहिए, तो चलो एक काम करते चाबी यार ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं अमेजोन से। ओके अमेजोन में चलो। एंड गाइजर यहाँ पे चाबी तो नहीं है, बट गाइजर लॉक पिक है, जिससे गाइजर मैं आराम से ताला को खोल सकता हूँ। ओके चलो गाइजर इसका यूज करते हैं। एंड गाइजर भैया ताला को मैंने खोल दिया है, वाह ये लॉक पिक तो कमाल है भाई, मैंने आराम से ताला को खोल दिया है, चलो बढ़िया है। अब गाइजर जल्दी चलते, बट एक सेकेंड यहाँ पे क्या स्टार है। ओके जैसे कि दोस्तों आप लोगों को स्कूल में अच्छा काम करने पर स्टार मिलता है ना, यहाँ पे भी स्टार रखा हुआ है, मैं ले लेता हूँ। चलो मैंने अच्छा तो काम नहीं कर रहा हूँ, बट स्टार लेना तो बनता है। अब गाइजर चलो जल्दी से अंदर चलते, दरवाजा खोलते। ओके मिस टीचर जो स्कैरी मिस टीचर है वो उसका यार यहाँ पे खाना रखा हुआ है, और गाइजर ये सॉल्ट का बॉटल है, मैं काम करता हूँ सॉल्ट का बॉटल लेता हूँ और गाइजर इसके खाने में पूरा मिला देता हूँ। ओके अब गाइजर यहाँ से जल्दी से भागता हूँ, क्योंकि यार अब यार मिस टी यहाँ पे खाना खाएगी
तो गाइस यार पूरा का पूरा नमक ही नमक हो जाएगा और मैं जल्दी से भाग जाता हूँ जिससे मिस्टी को पता ना चल जाए कि मैं यार आया था इनके घर में। ओके यार अब देखो मिस्टी यहाँ पे मिला रही है खाने को। हाँ हाँ मिलाइए मिलाइए नमक मिल जाएगा और खा जाइए। ओके गाइस यार ये देखो लगता है खीर खा रही थी। ओके इनका हालत तो खराब ही हो चुका है, उल्टी कर रही है। ओके फाइनली यार मैंने बदला ले लिया है। और हम प्यारे प्यारे बच्चों को रोको खाने से, हम लोग जब क्लास के बीच में खाते तो बहुत डांटती थी बहुत मारती थी, अब बताओ कैसा लगा मजा आया। ओके तो यार यहाँ पे देखो मिस्टी यहाँ पे टीवी देख रही है। ऐसे तो यार मिस टीचर हमारे सारे पेरेंट्स को बोलती है कि बच्चों लोग को टीवी ना देखने दो, लेकिन अपने टीवी देख रही है। ओके यहाँ पे मुझे एबिलिटी मिला है, अगर गाजर की एबिलिटी से मैं कुछ भी चूज कर लूंगा ना तो टीचर परेशान हो जाएगी। एक है गाजर हंसी वाला गैसिंग वाला, दूसरा है गाजर छींकने वाला और तीसरा है गाजर डांस करने वाला। भाई हंसी तो मैम हंसी लेती है, कभी कभी छींक भी लेती है, बट मैंने कभी भी स्कैरी टीचर को नाचते हुए नहीं देखा, मैं नाचना देखना चाहता हूँ। चलो गाजर ये वाले बटन से मैं टीचर को नचा सकता हूँ। ये देखो अरे टीचर तो नाचने लगी। अरे टीचर क्या हो गया, बिन बात के क्यों नाच रही हो। ओके दोस्तों यहाँ पे तो टीचर नाच रही है, इसको नाचने देते और अंदर चलते। और एक और देखो मुझे एक और तारा मिल चुका है, चलो ये तारा को जल्दी से मैं रख लेता हूँ। ओके अब गाजर मुझे यहाँ पे टूल चाहिए जिससे पता है मैं यहाँ पे टीवी को ना तोड़ दूँ। मतलब कि आपको तो पता ही है टीचर यार हमें कितना रोकती है, हमें टीवी देखने ही देते थी। लेकिन गाजर आज के दिन हम यार ऐसा कुछ करने वाले जिससे गाजर टीचर ना जिंदगी भर टीवी नहीं देख पाएगी। तो चलो एक काम करते स्टोर रूम जाते हैं, मुझे पक्का है कि नहीं स्टोर रूम में मुझे यार हथौड़ी या फिर कुछ ऐसा चीज मिल जाएगा जिससे गाजर मैं यहाँ पे टीवी को तोड़ पाऊंगा। कुछ है क्या यहाँ पे। ओके यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ओके दोस्तों यहाँ पे तो मुझे कुछ भी नहीं मिला है। चलो यार यहाँ पे यार मैं प्लासेस थोड़ी ना तोड़ पाऊंगा, तो इसीलिए यार चलो एक काम करते हैं अंदर चलते हैं। अब मुझे गाजर यहाँ पे क्रोबार चाहिए, क्रोबार से गाजर मैं आराम से टीवी तोड़ दूंगा। और मुझे याद है मैंने क्रोबार देखा था कहीं पे, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने देखा कहाँ था। ओके मिस्टी ने यहाँ पे देखो लगा भी दिया है, बियर ट्रैप लगा दिया जिससे यार मैं फंसूंगा ना तो फंस ही जाऊंगा। नहीं दोस्तों मुझे फंसना नहीं है। अब चलो गाजर यहाँ पे मुझे क्रोबार ढूंढना है, तो लेट्स गो क्रोबार ढूंढते हैं। क्रोबार यहाँ है क्या, नहीं। अरे कुछ तो मुझे सामान मिल जाए जिससे मैं टीवी को धम धम मारूं और धम धम तोड़ दूं। लेकिन गाजर कुछ ओके यहीं पर रखा हुआ है। वाह भाई वाह स्कैरी टीचर पहले से इंतजाम कर लियो क्या टीवी तोड़ने का। चलो गाजर इसे लेता हूँ मैं और गाजर इसे टीवी तोड़ देता हूँ। टीचर तुमने मेरे पेरेंट्स को बहुत परेशान किया कि टीवी मत देखो मत देखो, लेकिन आज के बाद तुम भी टीवी नहीं देख पाओगी। चलो गाजर खिड़की से भागते हैं, तो वरना टीचर मुझे पकड़ के टीवी का पैसा वसूल लेगी। अब भागो भागो जल्दी भागो। दोस्तों यार आप लोग नीचे कमेंट करके बताना आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा, जब भी गाजर आपके पेरेंट्स टीचर से मिलते होंगे तो हमेशा बोलते होंगे ये बच्चे को टीवी मत देखने देना। और अभी ये टीचर मिस टी टीचर भाई बैठ के टीवी देख रही थी आराम से, अब देखो बैठ के टीवी, मैंने तो इसका टीवी तोड़ दिया है, आराम से टीवी देखना बैठ के। ओके दोस्तों ये देखो टीचर को तो शौक ही लग गया है क्योंकि उसका टीवी टूट चुका है। देखो टीवी से गाइजर करंट भी निकल रहा है। अरे बाप रे टीचर आपका तो खर्चा बढ़ गया, अब बताइए क्या करिएगा। दोस्तों मुझे यहाँ पे टीचर का ना टीवी तोड़ने में बहुत ही मजा आया। ओके गाइजर ये देखो लगता है मिस टीचर ना भाई यहाँ पे फेयरवेल में ये ड्रेस पहनने वाली है, लगता है ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। गाइज मिस टीचर ना फेयरवेल हो या फिर क्लास टीचर मीटिंग या फिर यार मीटिंग हो जाए स्कूल का, भाई लगता है वो ड्रेस पहन के जाती होगी और गाइज यार सबको दिखाती होगी मैं कितनी अमीर और मैं कितनी सुंदर हूँ। ऐसे तो चुड़ैल बुढ़ी है, लेकिन गाइज यार आज के दिन मैं गाइज यार इसका खेल खत्म करने वाला हूँ। मतलब कि दोस्तों ये जो ड्रेस है ना इसका मैं ऐसा हल करूंगा ऐसा हल करूंगा ऐसा हल करूंगा कि देखते रह जाएगी। लेकिन दोस्तों मुझे उसके लिए ना सबसे पहले ड्रेस को ढूंढना भी पड़ेगा, तो चलो गाइज यार सबसे पहले मुझे यहाँ पे ड्रेस को ढूंढना है, उसके बाद गाजर मुझे यहाँ पे कैची को ढूंढना है जिससे गाजर मुझे यार ड्रेस को काटने का मौका मिल जाए। ड्रेस कहाँ रखा है एक बार देख ही लेती हूँ, एक बार देख ही लेता हूँ। ये देखो ये रहा ड्रेस। अब मुझे यहाँ पे कैची की जरूरत है जिससे गाजर मैं ड्रेस को बिगाड़ पाऊँ। लेकिन गाजर कैची मुझे मिलेगा कहाँ, भाई मिस टीचर ना आ जाए तो वरना मेरी हालत खराब हो जाएगी। कैची कहीं मुझे मिल जाए तो मजे आ जाए, भाई कैची मुझे मिल जाए तो लाइफ झिंगालाला हो जाए। कैची कैची कहीं कैची है क्या भाई, आपने गाजर कैची देखा तो प्लीज मुझे बता देना, क्योंकि गाजर अगर मिस टीचर आ गए ना तो मेरी कैची बना के मुझे काट डालेगी। ओके कैची, और नहीं गाजर मैम कैची कहाँ रखते हैं आप, ये तो मुझे बता दीजिए। कैची कैची आपने देखा है क्या। ओके मैम बाल सेट कर रही है, उससे पहले मुझे कैची सेट करना होगा। लेकिन गाजर मुझे एक बार कैची मिले तब तो, ये ड्रॉर के अंदर है क्या कैची। नहीं यार यहाँ पे भी नहीं है। अरे दोस्तों कैची मुझे नहीं मिला ना तो मैम मुझे छोड़ेगी नहीं, मार देगी क्योंकि मैं उसका ड्रेस खराब करने जाए। ओ नो पकड़ ली मैम, ओ नो माफ कर दीजिए माफ कर दीजिए माफ कर दीजिए। ओ नो गाजर मैम मुझे पनिशमेंट देगी मारेगी। ओ नो बचाओ आप ही लोग बचाओ दोस्तों। ओके दोस्तों
दोस्तों टीचर ने तो मुझे पिछले बार पकड़ लिया था, बट गाजर इस बार ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। मुझे पता है गाजर टीचर का ड्रेस कहाँ पे, बस मुझे यहाँ पे कैची का जुगाड़ करना है। अब गाजर मैं टीचर को छोड़ने नहीं वाला। मुझे जहाँ तक लगता है कैची मुझे गाजर ऊपर मिल जाएगा या फिर गाजर स्टोर रूम में मिल जाएगा। बट अगर जिस टाइम मुझे कैची मिल गया ना दोस्तों, मैं गाजर ड्रेस का ऐसा हालत करूंगा ना कि भाई टीचर यार सपने में भी नहीं सोच सकती है। मुझे एक बार मिल जाए कैची, गाइस कैची तो यहाँ पे भी नहीं है। इसका ये मतलब है मुझे गाजर कैची ऊपर ही मिलेगा। और गाजर ऊपर जाने का एक और रास्ता है ये सीढ़ी से। अगर गाजर मैं इससे सीढ़ी से गया तो मैं डायरेक्टली ऊपर पहुंच गया और गाजर अंदर चला गया। वाह भाई वाह, ये तो गजब जगह है। अब गाजर मुझे यहाँ पे कैची का जुगाड़ करना है और कैची का जुगाड़ ऑफिस में हो सकता है। ओके ऑफिस में कैची कहीं तो मुझे मिल जाए, क्योंकि यार अभी तक मुझे कैची मिल जाना चाहिए था, लेकिन मुझे अभी तक कैची नहीं मिला है। मैं लगता हूँ कि गलत जगह ढूंढ रहा हूँ। मुझे गाजर सही जगह ढूंढना चाहिए। यहाँ पे है क्या? नहीं दोस्तों यहाँ पे भी नहीं है। जिसका ये मतलब है कि भाई अगर मिस्टी ऊपर आ गई उससे पहले मुझे यहाँ पे सारा का सारा कैची ढूंढना होगा। और एक सेकेंड, यहाँ पे ग्लू है। और गाइजर ग्लू के अलावा मुझे और कुछ मिल जाए? ग्लू से मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? एक काम करता हूँ, ग्लू रख ही लेता हूँ, क्या पता मैं ग्लू से कुछ कर पाऊँ। पर चलो गाइजर ऊपर जल्दी चलते हैं, मिस टीन आ जाए उससे पहले बाथरूम जाते हैं। बाथरूम में भी गाइजर मैंने कुछ देखा लेकिन उसमें भी कुछ नहीं था। ओके ये रहा ड्रेस यहाँ है ना? नहीं गाइजर मैं उसे कट करना है, इससे कुछ नहीं होने वाला। मुझे कटिंग वाला सामान चाहिए जिससे गाइजर मैं यहाँ पे कट कर पाऊँ। क्रोबार से मैं कुछ कर पाऊंगा क्या? नहीं दोस्तों क्रोबार से नहीं, बट नीचे जाने का एक रास्ता है, क्या पता यहाँ पे कैची हो। ओके ये रास्ता तो नीचे निकल गया, वाह कमाल का रास्ता है ये। अच्छा है जब टीचर आएगी तो बचने में काम आएगा। चलो गाइजर बाथरूम से भी टीचर निकल चुके हैं और मुझे लगता है टीचर यहीं कहीं है। ओके देख लेता हूँ एक बार। टीचर आप यहाँ हैं क्या? स्टोर रूम में तो हो सकता है, स्टोर रूम में भी ग्लू रखा हुआ है। अरे ग्लू का मैं अचार डालना है, ग्लू मुझे दे रहा है, ग्लू मुझे नहीं चाहिए। वो देखो वो रही टीचर, मुझे जल्दी से भागना पड़ेगा, टीचर मुझे देख लिया है। अरे भागो दोस्तों भागो, जल्दी नीचे भागो। अब क्या करूं, एनर्जी ड्रिंक भी ले लेता हूं, काम आएगा। टीचर सोच रही है कि मैं कहां चला गया हूं, और मैं खुद सोच रहा हूं कि भाई सीजर कहां चला गया है। सीजर मुझे लगता है नीचे मिलेगा किचन में देख लेता हूं दोस्तों, क्या पता मुझे यार यहां पे किचन में सीजर मिल जाए। अरे कहीं तो मुझे कटिंग वाला सामान मिल जाए जिससे गाजर मैं काट करके आराम से कपड़े को बर्बाद कर पाऊं। ओके नीचे देखो यहीं पे सीजर था, और मैं यार पूरा हर जगह ढूंढ रहा था, टेबल ही में सीजर रखा हुआ है। या मिस टीचर भी ना, मतलब कि सच में पागल है पागल। भाई कैची को अच्छा जगह रखना चाहिए ना, भाई कैची को यहाँ पे खोल के रखी हुई है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसे गाजर इसका मैंने पूरा ड्रेस ही काट दिया। अब गाजर चलो यहाँ से जल्दी से भागते हैं, तो वरना टीचर आ गए ना तो मेरी बैंड बजा देगी। उससे पहले गाजर भागने से पहले एक यार काम करना तो बनता है, देखोगे क्या? ये देखो टन 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 टन, टीचर आ जाइए, आ जाइए। अरे टीचर को तो आवाज नहीं आ रही, ये लो। ओके दूसरा तरफ का ही बजा देता हूँ, ये लो। टीचर ऊपर है क्या? ये लो। अरे आवाज सुन नहीं रही है क्या? ये लो। अरे दोस्तों जल्दी से भागते हैं, वरना टीचर आ गए ना तो सच मेरा आवाज निकाल देगी, क्योंकि आपको तो पता है पिछले बार क्या हुआ था। ओके टीचर को पता चल गया कि टीचर का ड्रेस मैंने खराब कर दिया है, और टीचर का मुंह देखो देखने लायक है, वह मजे आ गया, रो रही है बेचारी। मजे आ गया दोस्तों, सच मजे आ गया टीचर के साथ बदला लेने में। अरे दोस्तों ये देखो टीचर को हम लोग ने फाइनली परेशान कर दिया है। अरे सिंचन के दोस्त लोग तुम सबको मजा आया ना? भाई हम लोग ने अच्छे तरीके से सिंचन के टीचर के साथ मस्ती किया, मजा आया। ये तुम लोग ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं दोबारा आऊंगी और तुम लोग को छोड़ूंगी नहीं, देख लेना। ओके तो गाइजर यहाँ पे स्कैरी टीचर जो इविल थी वो चली जा चुकी है, और गाइजर अब यहाँ पे स्कूल में कोई भी ऐसा बदमाश टीचर नहीं है जो बच्चे लोग को बिन बात के मारे और बिन बात के परेशान करे। आई होप गाइजर आपको ये टीचर को परेशान करने वाला एपिसोड मजा आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम लोग इसी तरीके से और भी एपिसोड लेके आए, जब यह टीचर वापस आएगी तो फिर से ऐसी टीचर को परेशान करे, तो नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। और गाइजर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय दोस्तों।